हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 6, लेसन 1, मिस्टर नोबडी। स्टूडेंट, दिस पोयम इज अबाउट अ लिटिल मैन नेम्ड मिस्टर नोबडी। द पोएट बिलीव्स दैट ही इज द कॉज ऑफ एवरी मिस्चीफ डन इन एवरी डेज हाउस। द Poet further tells that nobody ever saw this little man, but he is sure that he is the only mischief maker. Students, यह कविता है श्रीमान कोई नहीं नामक एक छोटे व्यक्ति की। कवि का मानना है कि यह व्यक्ति प्रत्येक घर में होने वाली शरारतों का कारण है। कवि आगे कहता है कि इस छोटे व्यक्ति को पहले कभी किसी ने नहीं देखा, किंतु वे इस बात से आश्वस्त हैं कि वही एकमात्र शरारती है। स्टूडेंट, रीड एंड एंजॉय दिस पोयम। मिस्टर नोबडी। आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिस्चीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस। स्टूडेंट, मैं एक ऐसे मजेदार छोटे व्यक्ति को जानता हूँ। यह उतना ही शांत है जितना कि एक चूहा है। यह प्रत्येक घर में होने वाली शरारतों का कारण है। स्टूडेंट, अ फनी लिटिल मैन यानी एक छोटा सा, फनी यानी मजेदार कह सकते हैं हम, नो यानी जानना, क्वाइट का मतलब होता है शांत, माउस का मतलब होता है चूहा। स्टूडेंट्स, आपके घर में भी हमने देखा है कि चूहे जो होते हैं एकदम शांत होते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि वो हमारे घर में है भी या नहीं, लेकिन वो भी बहुत सी शरारतें करते हैं। वैसे ही हमारे घर में भी एक ऐसा मिस्चीफ इंसान रहता है जो घर में होने वाली सारी शरारतों का कारण है। देयर नो वन एवर सीज हिज फेस, किसी ने भी कभी भी उसका चेहरा नहीं देखा है। एंड येट वी ऑल एग्री डेट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। और हम यह कह सकते हैं कि जितनी भी प्लेट टूटी गई है वह किसके द्वारा टूटी गई है, मिस्टर नोबडी। स्टूडेंट, जब भी हमारे घर में कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसका हमें पता नहीं होता है, तो हम यह कहते हैं कि पता नहीं किसने किया। कभी कभी क्या होता है, हम जब छोटे होते हैं तो हमारे ही कारण कोई चीज़ टूट जाती है, तो जब हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कि ये किसने किया, तो हम क्या कह देते हैं, किसी ने नहीं, ये अपने आप हुआ। वैसे ही हर घर में एक शरारती इंसान रहता है और जो सारी शरारतों का कारण है, लेकिन जब भी कोई पूछता है तो हम सारा जो काम है उसके ऊपर ही डाल देते हैं। किसके ऊपर, मिस्टर नोबडी। इस पोयम को फिर से रीड करते हैं। आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिस्चीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस। देयर नो वन एवर सीज हिज फेस एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। स्टूडेंट, इस पोयम को हमने रीड किया, अब हम इसकी वर्कशीट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करते हैं। यूनिट 6, लेसन 1, मिस्टर नोबडी। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग्स ऑफ वर्ड प्रोनाउंस हिंदी मीनिंग। फर्स्ट वर्ड क्वाइट, क्यू यू आई ई टी क्वाइट। क्वाइट मीन्स खामोश। नेक्स्ट है मिस्चीफ, एम आई एस सी एच आई ई एफ मिस्चीफ। मिस्चीफ मीन्स शरारत। नेक्स्ट है एवरीबडी, ई वी ई आर वाई बी ओ डी वाई एवरीबडी। एवरीबडी मीन्स सभी। नेक्स्ट है एग्री, ए जी आर डबल ई
एग्री, एग्री मीन्स राजी होना या किसी बात का समर्थन करना। नेक्स्ट है नोबडी, एन ओ बी ओ डी वाई, नो बडी, नो बडी मीन्स कोई नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, कंप्लीट द वर्ड्स विथ यूजिंग वोवेल्स ए ई आई ओ यू। स्टूडेंट्स यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनमें राइट वोवेल लेटर फिल करना है और न्यू वर्ड बनाना है। फर्स्ट है एच डी, यहाँ हमने फिल किया ई ए, वर्ड बना एच ई ए डी हैंड। नेक्स्ट है एल जी एस, यहाँ हमने फिल किया ई, वर्ड बना एल ई जी एस लेग्स। नेक्स्ट है डी आर डबल एस, यहाँ हमने फिल किया ई, वर्ड बना डी आर ई डबल एस ड्रेस। नेक्स्ट है आर एम एस, यहाँ हमने फिल किया ए, वर्ड बना ए आर एम एस आर्म्स। नेक्स्ट है एच आर, यहाँ हमने फिल किया ए आई, वर्ड बना एच ए आई आर हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, एट नो सम एंड एवरी टू द वर्ड बडी टू मेक न्यू वर्ड। स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बडी वर्ड के आगे नो सम एवरी लिखकर न्यू वर्ड बनाने हैं। फर्स्ट है नो प्लस बडी, वर्ड बना नो बडी। नेक्स्ट है सम प्लस बडी, वर्ड बना सम बडी। नेक्स्ट है एवरी प्लस बडी, वर्ड बना एवरीबडी। थ्री वर्ड्स बने नो बडी, सम बडी, एवरीबडी। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, राइट ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स इसमें जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं इसे हम अपने अनुसार भी यह ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं कि क्या हम ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। फर्स्ट है आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स, मैं स्टूल पे चढ़ के बिस्किट ढूंढता हूँ, यहाँ हमने लिखा फॉल्स। नेक्स्ट है आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स, मैं रात को घर के बाहर सितारे देखने के लिए निकलता हूँ, यहाँ हमने फिल किया है ट्रू। नेक्स्ट है आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट, मैं एक पेड़ पे चढ़ता हूँ घोंसले देखने के लिए, यहाँ हमने लिखा फॉल्स। नेक्स्ट है आई ट्राइड टू सी व्हाई द क्लॉक टिक्ड, मैं यह जानना चाहता हूँ कि घड़ी जो है वो टिक टिक क्यों करती है, यहाँ हमने लिखा ट्रू। स्टूडेंट्स इन सेंटेंस के सामने आप अपने अनुसार भी ट्रू और फॉल्स लिख सकते हैं कि आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर फोर, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उनके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज मिस्टर नोबडी। स्टूडेंट पोयम की फर्स्ट लाइन में ही था, आई नो अ फनी लिटिल मैन। आंसर है अ फनी लिटिल मैन इज मिस्टर नोबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज एनीवन एवर सीन हिम, क्या कभी किसी ने उसे देखा है। पोयम में भी आंसर क्या था कि नो, आंसर लिखेंगे नो, नो वन हैज एवर सा हिम। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस, क्या मिस्टर नोबडी आपके घर में रहता है। यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम नो, देयर इज नो मिस्टर नोबडी इन माई हाउस, मेरे घर पे मिस्टर बडी नोबडी नहीं रहता है। स्टूडेंट अभी हमने जो पोयम देखी है
उसकी जो वर्कशीट देखी है आप उसे ध्यान से लिखिए और उस पोयम को भी आप बार बार रीड कीजिए, क्योंकि आप उसे रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी और पोयम के जो क्वेश्चन आंसर है आपको उस पोयम से ही लर्न हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।